हेलो दोस्तों, मैं हूं शर्मिला और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे कैनवास पर यशोदा माँ और बालकृष्ण की पेंटिंग। मैं यहाँ पूरी पेंटिंग एक्रेलिक कलर से पेंट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कैनवास बोर्ड लेते हैं और अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग बोर्ड और एक्रेलिक कलर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो उसे ज़रूर चेक कीजिए। मेरी पेंसिल से रफ ड्राइंग हो चुकी है, अब हम पेंट करते हैं। सबसे पहले हम यशोदा माँ की साड़ी और चुनरी पेंट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पिंक कलर लिया है। अगर आप पेंटिंग आसान करना चाहते हो तो सबसे पहले बॉर्डर पेंट करें और बाद में अंदर वाली साइड पेंट करें। साड़ी के लिए मैं ब्लू प्लस वाइट ऐसे दोनों मिक्स करके पेंट कर रही हूँ। अगर आपके पास स्किन कलर नहीं है तो आप रेड प्लस येल्लो प्लस ब्लू ऐसे कलर मिक्स कर सकते हैं। अब मैं बाल कृष्णा जी को पेंट कर रही हूँ, तो मैंने पर्पल और वाइट कलर मिक्स कर लिया है। आपको कभी ये सवाल आया है कि भगवान कृष्णा हमेशा नीले नीले क्यों होते हैं? तो उसका जवाब ये है कि जब मामा कंस ने राक्षसी पुतना को बाल कृष्ण को मारने भेजा, तो राक्षसी पुतना ने अपना पॉइजन वाला दूध बाल कृष्ण को पिलाया। राक्षसी पुतना आश्चर्यचकित हो गई जब कृष्णा मरे नहीं, बल्कि उनकी स्किन पॉइजन से नीली पड़ गई। इसलिए भगवान कृष्ण नीले नीले होते हैं। अब हम बैकग्राउंड को कलर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पिंक प्लस वाइट और पर्पल प्लस वाइट ऐसे कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं। आखिरी में थोड़ा कलर ब्लेंडिंग करना है। अब हम पेंटिंग के दूसरे चरण में आ गए हैं, जहां हम बहुत डिटेल से पेंटिंग करेंगे। यशोदा माँ की चुनरी और साड़ी येलो बॉर्डर से पेंट करना है। ये आपकी छोटी छोटी डिटेल्स आपकी पेंटिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। बारीक डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ ज़ीरो ब्रश का इस्तेमाल किया है। यशोदा माँ के गहने हम मोतियों से सजाएंगे। इसके लिए मैंने येलो, वाइट और ऑरेंज कलर लिया है। इतनी बारीक पेंटिंग के लिए हाथों पे बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंट्रोल आपको अपनी आदत से आ जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एक दिन ज़रूर आएगा। मोर पंख पेंट करने के लिए मैंने डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू और येलो पेंट कर लिया है। कृष्णा को अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत प्यार था। वो बहुत ही अपनी चीज़ें संभाल के रखते थे, जैसे मोर पंख, बांसुरी, शंख, अपना पीतांबर, अश्वघोड़ा और सबसे ज़्यादा पसंद राधा ने दी हुई ये फैजंती फूल माला, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। अब हम मक्खन की हंडी बनाते हैं। ये पेंटिंग बनाते वक्त मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जस्ट लाइक मेडिटेशन। लास्ट में हम ब्लैक कलर से बॉर्डर करेंगे। अब हम पेंटिंग को वार्निश करते हैं। वार्निश पेंटिंग देने से अपनी पेंटिंग लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो ये ज़रूर देना है। ये बन गई हमारी खूबसूरत यशोदा माँ और कृष्ण की पेंटिंग। इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।